वेलकम बैक नाजरीन, नाजरीन प्रोग्राम दिल की बातें डॉक्टर जावेद सब्जवारी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन रशीद। नाजरीन आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और लाइव कॉल्स कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हार्ट अटैक के बाद ट्रैवल करना चाहिए और किस हद तक किस किस्म की ड्राइव से परहेज भी करना चाहिए? अब देखें, जो हार्ट अटैक के बाद हमने सवाल किया ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल तो बेशुमार इसके ज़राए हैं ना, कि आपने गाड़ी पे जाना है, आपने बस में जाना है, आपने ट्रेन में जाना है, एहतियात के तौर पे कौन, आपने जहाज में जाना है, सही, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, कि बाज़ लोगों को बाहर के मुल्क में हार्ट अटैक हुआ, अब उनको पाकिस्तान वापस आना है, तो क्या उनको ट्रैवल करना चाहिए, या उनको पाकिस्तान में हार्ट अटैक हुआ और वो बाहर रहते हैं तो क्या उनको बाहर जाना चाहिए? ये आपने बहुत अहम बात पूछी कि बाज़ लोग ये करते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता, जाहिर है अब आजकल फैमिलीज ग्लोबल विलेज है एक तरह का, दुनिया में माँ बाप यहाँ हैं तो औलाद बाहर है, माँ अमेरिका किसी में है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो हार्ट अटैक के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जब आप स्टेबल हो जाते हैं और आपके डॉक्टर्स आपकी इजाज़त दे देते हैं, लेकिन ख़ुद से घर में बैठ के मशवरे करना कि जी मैंने अमेरिका जाना है, मैंने कराची जाना है, हैदराबाद जाना है, मैंने किसी और मुल्क में जाना है, विदाउट आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप नहीं जाएँ, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर हमने देखना होता है, एसेस करना होता है कि आपका हार्ट स्टेटस क्या है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपके दूसरे पैरामीटर्स कैसे हैं, अगर वो इजाज़त देते हैं, अगर आप हार्ट फेलियर में नहीं हैं, आपको 12 हफ्ते 8 हफ्ते हो गए हैं, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के बाद भी अल्लाह ना करे छाती में दर्द होता है, बोझ होता है, घुटन होती है, सांस फूलता है, कमज़ोरी का एहसास होता है, धड़कन तेज़ होती है, पसीने आते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आपको डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करना चाहिए, वर्कअप करवाना चाहिए, और जो तजवीज़ आपको किया जाता है इलाज उसको मुकम्मल करवाने के बाद फिर आप ट्रैवल करें तो बेहतर होगा। क्योंकि लंबी फ्लाइट्स के अंदर आम तौर पे इम्कान होता है खून के जमने का, और वो भी टांगों के अंदर, अगर खुदा ना खासा वो खून जम गया और अगर आप नए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल ना किया और आप चले गए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी लोथड़ा खुदा ना खासा दिल में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है, दिमाग में जा सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, फिर प्रेशर चेंजेस आती हैं बाज़ औक़ात, अब लॉन्ग फ्लाइट पर जाते हैं, एयर प्रेशर कम हो सकता है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर सकता है, उससे आपको पेचीदगी हो सकती है। सो इसलिए आप ट्रैवल करें। हाँ, अगर आप बस में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी जाहिर है बस के अंदर कितनी कंजेशन है, बस के अंदर जो सीट्स हैं उनका आपस में कितना फासला है, क्या आप अपनी टांगों को फैला के बैठ सकते हैं, जाहिर है वहाँ पर भी आपको मसला होगा। या फिर आप ये देखें कि अगर आप अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर जाएं, लेकिन अगली वाली सीट पर बैठ के, ताकि आपकी टांगें पूरी खुली हों और आप अपनी टांगों को मूव करते रहें, उन पर इस किस्म का दबाव ना आए आपकी टांगों की जो नीचे के हमारे पट्टे होते हैं, कि वहाँ पर खून के जमने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको बैठ के चक्कर आता है, अगर आपको बैठ के कमज़ोरी का एहसास होता है, अगर आपको बैठने के बाद बतलाता है दिल, तो फिर कोशिश करें कि आप लेटें और आप डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे ये कैफियत हो रही है और मैं इसको कैसे बेहतर अपने आप को बना सकता हूँ। सेकेंड बात यह है कि जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, या जो पहले से दवाएं ले रहे होते हैं, उनको भी उन पर नज़रसानी करवानी चाहिए, ताकि इन दवाओं की वजह से खुदा ना खासा कोई मसला ना हो जाए। वो लोग जो दमे के मरीज़ होते हैं, दमे के मरीज़ में मैं एक बात आपको कहूँगा कि एक दवाई होती है जो दिल की धड़कन को बहुत तेज़ कर देती है, हम नेबुलाइज करवाते हैं, तो दो तरह की दवाइयाँ होती हैं जो हम उनको देते हैं, वो दवाई इफ्राट्रोपियम हम आम तौर पे इनको अवॉइड करवाते हैं, ताकि उसकी वजह से खुदा ना खास्ता धड़कन खतरनाक हद तक तेज़ ना हो जाए, तेज़ भी नहीं, बाज़ोकात बेकायदा हो जाती है, बाज़ोकात धड़कन इतनी बेकायदा होती है कि कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, दिमाग को खून नहीं जाता और इंसान को फिट पड़ जाता है, और अल्लाह ना करे को मिसाब हो सकता है अगर हमने उसको वक्त पर मैनेज ना किया, और ऐसी सूरत में अगर वो हमारे पास एडमिट हैं तो फिर तो जाहिर हम उनको प्रॉपर ट्रीट करेंगे, बाज़ोकात शॉक लगाने की नौबत आ जाती है, लेकिन अगर घर पर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं, अब तो रिकमेंड ये किया जाता है कि इवन जो जहाज़ हैं, जहाज़ में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो धड़कन खुदा ना खासा अगर बेरब्त हो जाती है तो वो शॉक दें और
धड़कन दोबारा से बहाल हो सके। इवन रेलवे स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहां पर भी ये लगे होने चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई जवान, कोई नौजवान, खातून, मर्द, अगर वो अल्लाह ना करे अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम उनको वक्त पर मैनेज कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमूमन देखा जाता है कि हार्ट अटैक के बाद जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो माशाल्लाह सेहतियाब हो जाते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर एक मायूसी की सी कैफियत तारी रहती है, इसकी क्या वजह? हाँ, मायूसी यूँ होती है कि लोग ये समझते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं होता, बल्कि मैंने तो ये देखा कि जिन लोगों ने अपने आप को तब्दील कर लिया, आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि हार्ट अटैक के बाद अब एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। क्योंकि ठीक है, आपने तंबाकू का इस्तेमाल किया, आपने अल्कोहल लिया, आपने जो कुछ अपने आप को किया, जस्ट फॉरगेट अबाउट, आप भूल जाएं कि आपने क्या किया था। अगर आप अपने आप को तब्दील कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप बड़े बड़े सियासतदानों को देखें जिनको हार्ट अटैक हुए, सही, दुनिया के, अमेरिका के कितने सुदूर हैं जिनको हार्ट अटैक हुए, अमेरिका दुनिया पे रूल करता है, उसके सदर पे कितनी जिम्मेदारी होगी। बरतानिया का चर्चिल को देखें आप, दूसरी जंग अजीम उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने तमाम उमूर सर अंजाम देते रहे कि ठीक है हार्ट अटैक हो गया, सो वॉट, लेकिन उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। ये मायूसी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मौत का खौफ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टांग में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो मौत का खौफ नहीं आता। सही। लेकिन जहां छाती में दिल का दौरा, जहां नहीं, दिल का दौरा तो खैर है ही, जहां छाती में बोझ हुआ, घुटन हुई, दबाव महसूस हुआ, फौरन इंसान के एकदम से मौत का खौफ आ जाता है, और फिर उसके बाद पसीने आना, कमजोरी होना, मतली, तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करें। मायूसी ठीक है, वक्ती तौर पर इंसान में ज़रूर होता है, डिप्रेशन पैदा होता है कि अब मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, अपने खर्चे कैसे पूरा करूंगा, मैं क्या काम करूंगा। जिस तरह हमने प्रोग्राम में बात की थी कि पायलट, अगर कमर्शियल पायलट हैं, जहाज़ उड़ाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है तो मैं कैसे अपने तमाम मामलात को, ज़ाहिर है इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा वक्त आ जाता है, लेकिन अगर आप अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया और उन्होंने अपनी तबाही उम्र गुजारी और वो भूल गए कि कभी हमें हार्ट अटैक हुआ था, कभी हमें दिल की बीमारी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया था और उन्होंने एक बहुत अच्छे अंदाज में इस दुनिया को छोड़ा। लेकिन सिर्फ यही है कि आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है, डॉक्टर्स की हिदायत पर आपने अमल करना है। मायूसी, घबराहट, बेचैनी, इसकी भी दवाएं थोड़े अरसे के लिए आपको दी जा सकती हैं, वक्त ही आपको सहारे दिए जा सकते हैं, काउंसलिंग आपकी की जा सकती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप अल्लाह ताला के हुजूर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ, उसको सोच के समझ के, तो मेरा ख्याल है ये भी आपको कल्बे सुकून अता करता है और आप अगले आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैंने इसी के साथ रहना है और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं कि मैं अपने आप को अपनी फैमिली के लिए कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं किस तरह अपने ऑफिस में जाऊँगा, मैं किस तरह काम करूँगा। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए आपको प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन ये भी वक्त के साथ बेहतर होते चले जाएंगे और मायूसी, डिप्रेशन जो आप पर एक कैफियत तारी हुई है, अगर आप अपने डॉक्टर्स के साथ इन टच रहते हैं, उनकी हिदायत पर अमल करते हैं, तो ये भी वक्त के साथ साथ ख़त्म होता चला जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की, जी, तो मैं चाहूँगी कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि बहुत से ख़वातीनों हज़रात को ये नहीं पता होता कि उनका बीपी इस वक्त हाई हो रहा है, तो इसकी अलामत जो है, खास अलामत नहीं, इसकी हाई ब्लड प्रेशर की अलामत कोई भी नहीं होती, ये बात आप जहन में रखें, इसीलिए हम इसे कहते हैं साइलेंट किलर, ये खामोश कातिल है। सही। अगर इसकी अलामत होती तो लोग क्यों इसका इलाज ना करवाते? लोग इलाज इसीलिए नहीं करवाते कि उनको महसूस ही नहीं होता, वो तो अपने आप को बड़ा तंदुरुस्त और तवाना महसूस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ज़िंदगी के सारे काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता चला जाता है और एक दिन जब खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होती है तो फिर वो हमारे पास लाए जाते हैं, खुद से नहीं आते। अगर आप उनसे कहें, अगर कभी, हाँ बाज़ुकात ऐसा होता है कि इंश्योरेंस करवानी है आपने, कोई कहीं भी जाके इत्तफाकी अगर आपका टेस्ट हो गया और उसमें पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपने बारे में ख्याल करें, तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो महसूस ही नहीं होता, मैं दवाएं क्यों खाऊं, मैं इलाज क्यों करवाऊं। सही। तो इसलिए
چونکہ ہائی بلڈ پریشر کی علامت کوئی نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو، بہن کو، بھائی کو خدا نخواستہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہوئی تھی، فالج ہوا تھا، لقوہ ہوا تھا، ہارٹ فیلئر ہوا تھا، یا اللہ نہ کرے گردے فیل ہو گئے تھے، یا ٹانگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کلاٹ آ جاتا ہے، ٹانگیں کالی ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے گینگرین ڈیولپ ہو سکتی ہے، بے شمار پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، تو خاندان ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن آپ کو مل سکتی ہے کہ میرے خاندان میں چونکہ یہ بیماریاں ہوئی تھیں تو میں بھی اپنے احتیاط کروں اور میں ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں پابندی سے کھاؤں، اور دوسرے جو مجھے مشورے دیے گئے ہیں ڈاکٹرز نے ان پر میں عمل کروں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے گفتگو کا بہت زیادہ مزہ آیا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، پروگرام دل کی باتیں ڈاکٹر جاوید سبزواری کے ساتھ آپ ہفتہ اور اتوار رات 7 سے 8 بجے رائل نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نوشین رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔